कृषि कानून का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। भाजपा विधेयक को किसानों के हित में बता रही है तो कांग्रेस इसे किसानों को बर्बाद करने वाला बता रही है। ऐसे में आज हमारे साथ दौसा सांसद जसकोर मीणा है। हम बात करते हैं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद किसानों को किस तरह का फायदा होगा और कांग्रेस क्यों किसानों को बरगलाने में लगी हुई है। मैडम, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये तीन बिल पास हुए हैं और तीनों बिल में कृषि के आधार पर जो विगत 70 साल से कृषकों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई जगहों पर आत्महत्याएं हो रही थी, कई जगहों पर किसान अपने व्यवसाय को छोड़ रहे थे, आज किसान का बेटा उसके अपने निजी परंपरागत व्यवसाय को नहीं करना चाहता, किसान की आय को वृद्धि करने के उद्देश्य से कभी सोचा नहीं गया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जानी चाहिए थी 2006 में, नहीं हुई। वर्तमान प्रधानमंत्री गांव, गरीब और किसान तथा नौजवानों के हित के लिए प्रतिदिन सोचते हैं, उसी क्रम में ये बिल तीनों लाए गए कि किसान की उपज का उचित मूल्य मिले, किसान को एक बंधक बाजार ना मिलकर मुक्त बाजार मिले। और इसी भावना से इस बिल में पहली बात यह है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है जहां उसको अधिक दाम मिले। दूसरा इसमें यह है कि MSP का जो हमारा तय है व्यवस्था है वो बदस्तूर रहेगी, लेकिन जो आंदोलनकारी लोग हैं या विपक्ष के जो नेता हैं वो सब ये भ्रमित कर रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएंगी, किसान उजड़ जाएगा, किसान को की ज़मीन को भूमाफिया ले लेंगे या कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर जब फसल होगी तो उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, जबकि ये स्पष्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर यदि किसान देता है तो केवल उपज को देता है और पहले से ही उसकी मूल्य तय करके देता है, जमीन का मालिकाना हक किसान का ही रहता है। लेकिन मैडम, बावजूद कांग्रेस भी इसको पूरी तरह जो किसानों को बर्बाद करने वाला बिल बता रही है, किसान हरियाणा पंजाब के पूरा दिल्ली हाईवे जाम करके बैठे हुए हैं। हरियाणा और पंजाब की जहां तक बात है तो पंजाब के मंडी माफिया लोग बैठे हुए हैं, किसान के हित करने वाले नहीं बैठे। जो मंडी माफिया लोग हैं जो किसान का शोषण कर रहे हैं, किसान की उपज को औने पौने दाम पर खरीद करके किसान को वैसा का वैसा कंगाल बनाए रखे हैं, वो लोग बैठेंगे मंडी सड़कों पे? क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि उनका धंधा छिन रहा है। भ्रष्टाचार और चोरवाड़ी के चलते हुए किसान की जो दयनीय स्थिति है इसको सुधारने के लिए ये कानून आए हैं और इन कानूनों में किसान का हित ही हित है, कहीं उनका नुकसान नहीं है।